हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये सारा कुछ करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उसमें मेजरली 4 अकाउंट बनते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बुक्स को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट हमारे पास बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ बनेगा बैंक एंड कैश अकाउंट। जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है और फर्म को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद उसका कोई भी बुक्स वगैरह राइट डाउन नहीं की जाती, अकाउंटिंग बुक्स, क्योंकि वो फर्म खत्म हो जाती है और अपना काम, जो भी काम होता है उसको शट डाउन कर देती है। कोई भी किसी प्रकार का अगर वो फर्म काम कर रही है वो बंद हो जाता है, उसका कारण कोई भी हो सकता है। इसलिए जब फर्म बंद हो जाती है तो उसमें क्या है, जो भी पार्टनरशिप में बंदे हैं, जो भी पार्टनर्स हैं या फिर आउटसाइडर लाइबिलिटीज है हमारे पास, वो हम क्या करते हैं, उसको पे करते हैं। कैसे, एसेट को रियलाइज करते हैं और लाइबिलिटी को रीअसेस करके जितना पैसा एसेट से आता है उसको हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं उस पैसे से, ठीक है। और अगर तो पैसा बच गया तो वो हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर बच गया। अगर नहीं बचा मींस लॉस आ गया, एसेट हमारे बिके 1 लाख के लेकिन लाइबिलिटी हमारी 1,20,000 की थी, तो 20,000 हमारा डेफिशिएंसी आ गई, वो डेफिशिएंसी हम पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट बेचकर पूरी करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट और बाकी जो 3 अकाउंट रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो चलिए आज समझते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और उसके अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज, जो जो हम जर्नल एंट्री डालते हैं वो सारा ट्रीटमेंट हम समझ लेंगे। ओके, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, अब इसमें हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम रियलाइज कर लेते हैं वैल्यू। जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने किए हैं उसमें हम बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में हम क्या करते थे, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को रीअवैल्यूएट करते थे और उसका जो प्रॉफिट लॉस निकलता था वो पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है, हम पार्टनरशिप फर्म को डिक्लोज कर रहे हैं, डिसोल्यूट कर रहे हैं मींस क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसलिए हम जो भी एसेट और लायबिलिटी है उसको रियलाइज करके खत्म करने वाले हैं। तो खत्म करने के लिए जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले हम सारे जो भी हमारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में वो हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। उसमें से कौन कौन से एसेट छोड़ने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब कैश, बैंक बैलेंस, जो जो रियलाइजेबल नहीं होते ना, कैश एंड बैंक बैलेंस सारा वो आ सकता है। लोन टू पार्टनर्स, क्योंकि वो पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम सेपरेट ही प्रिपेयर करेंगे, मैंने पहले ही बोला वो हमारा सेकंड टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स, जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं हमारे पास उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट वो एसेट हो सकते हैं जिनको हम रियलाइज ही नहीं कर सकते। मीन्स ये तो लॉसेज होते हैं बिजनेस के, जिसको हमने राइट ऑफ करना होता है विद द पीरियड ऑफ टाइम, 5 ईयर में, 4 ईयर में, कितने भी टाइम में। मीन्स ये एसेट नहीं होते, इट्स अमाउंट ऑफ ह्यूज एक्सपेंसेस और लॉसेज। सो फैक्टिशियस एसेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद हम सेकंड स्टेप में सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। और कौन कौन से लायबिलिटीज अकाउंट नहीं देने हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर नहीं हो गए ये, क्योंकि अलग से ही मेंटेन होंगे, वो अलग से ही करने हैं हमने। ओके, थर्ड स्टेप में हम करेंगे अमाउंट रियलाइज, जब हम एसेट्स बेचेंगे उसमें से जो भी अमाउंट
अमाउंट हमारा रियलाइज होगा जितने का भी एसेट्स बिकेगा वो हम क्रेडिट साइड डालेंगे बीच के एसेट्स को रियलाइजेशन की, एंड लायबिलिटी जो पे करेंगे उसको हम डेबिट साइड डालेंगे रियलाइजेशन की। ओके, लास्ट में हम फिफ्थ टर्म डालेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो भी हमारे खर्चे हुए हैं खर्चे को डालेंगे हम डेबिट साइड, और उसके बाद इनकी बैलेंसिंग कर देंगे। अगर तो वो बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड तो हमारा बन जाएगा वो हमारा गेन बन जाएगा, और अगर वो निकला क्रेडिट साइड तो वो हमारा लॉस बन जाएगा। अगर गेन निकला चाहे लॉस निकला वो हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, जो भी अमाउंट बनेगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ऑल पार्टनर्स। ओके, चलिए अब आपको समझ लग गया हमने पांच स्टेप करने हैं, लेकिन उन पांच स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज डालेंगे अब उनको समझ लेते हैं, और उनको डालने समय जो जो चीजें ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर क्लोजिंग ऑफ द एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट को क्लोज करना है उसकी जनरल एंट्री सिंपल सी है। क्या जनरल एंट्री डालेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, जितने भी एसेट्स होंगे वो वन बाय वन आप लिख दोगे, जैसे टू सन्ड्री डेटर, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, सब कुछ जो भी होगा वो सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअली आप सारे एसेट लिख के वो ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट को। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एसेट छोड़ने हैं, वो एसेट कौन कौन से हैं? फिक्टिशियस एसेट्स, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, और करंट अकाउंट पार्टनर्स का जो होता है, और कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर पार्टनर्स का कोई है, तो लोन अकाउंट जो पार्टनर्स को दिया हुआ है, लोन टू पार्टनर्स। ओके, ये अकाउंट आपने ट्रांसफर नहीं करने रियलाइजेशन अकाउंट को। अब इसके अगेंस्ट अगर जो एसेट्स आपने जो ट्रांसफर किए हैं, जैसे कोई भी एसेट है जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन भी क्रिएट की हुई है, या फिर वो माइनस करके लिखी हुई है, या फिर उसको डाला गया है लायबिलिटी साइड, उन प्रोविजंस को भी साथ में साथ ही ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट को। ओके, जैसे कि हमारे पास सपोज एक इन्वेस्टमेंट दी हुई है और लायबिलिटी साइड दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट की तो हमने एंट्री डाल दी सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो साथ में साथ प्रोविजन है उसका ट्रीटमेंट आप लायबिलिटी की तरह ही करोगे, वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, वो डेबिट कर दोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर? ऐसे ही अगर कोई और प्रोविजन है सन्ड्री डेटर की है, वो भी सेम ही ऐसे ट्रीटमेंट करोगे उसका। ओके, सेकेंडली जो आपने फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट करना है उसकी जनरल एंट्री भी आप साथ ही डाल दोगे। वो कैसे डलेगी वो भी देख लेते हैं। और हमारे पास जो मेजरली दो एग्जांपल्स है फिक्टिशियस एसेट की, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई लॉसेज एक्युमुलेटेड जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसको जो एक्युमुलेट करके हमने बैलेंस शीट में रखे हुए हैं, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा मेजर एक्सपेंस जो फिक्टिशियस एसेट्स में आता है, वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसमें हम ह्यूज एक्सपेंसेस कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। पर जो दो एसेट्स है हमारे, इसको भी हम ट्रांसफर कैसे करेंगे? इसकी जो एंट्री हमारी बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद हमने छोड़े हैं करंट अकाउंट जो पार्टनर्स के होते हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, वो करंट अकाउंट को भी हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में ही। अगर तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो फिर जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो फिर जनरल एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन जनरल एंट्री को करने का एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी अकाउंट जब आपने क्लोज करना हो किसी भी बुक्स में, उसका बैलेंस जो हो उसको ओपोजिट करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। मींस अगर आपके पास किसी चीज का बैलेंस डेबिट है तो उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे
तो वो क्लोज हो जाएगी, उसका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना डेबिट बैलेंस बचा उतने अगेंस्ट ही आप उसमें क्रेडिट डाल रहे हो, तो बैलेंस तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। ठीक है, जैसे सपोज राम का बैलेंस हमारे पास 1 लाख है, आपने टू कैश 1 लाख डाल दिया, तो जब बैलेंसिंग करोगे हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा ना। डेबिट बैलेंस था 1 लाख डेबिट साइड, और क्रेडिट हमने पेमेंट करके 1 लाख कर दिया, तो हमारे पास जो अब टोटल लगाएंगे 1 लाख दोनों साइड आ जाएगी, तो बैलेंस कोई भी नहीं निकलेगा, वो हो जाएगा जीरो। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ट्रीटमेंट लोन टू पार्टनर्स अकाउंट का। अब लोन टू पार्टनर अकाउंट में क्या है, हमने फर्म ने लोन दिया वो पार्टनर को, तो इसको रियलाइज हम सबसे पहले करेंगे। तो इसका सिंपल सी जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, मीन जो कैश अकाउंट हमारे पास पैसा आएगा, पार्टनर को लोन दिया है तो उनसे हम रिकवरी पहले करेंगे क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। ओके, उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हमारे पास सेकेंडली क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे, फॉर द क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज करने के लिए हम सबसे पहले जितनी भी लाइबिलिटीज हमारे पास दी हैं पार्टनर्स के, लोन अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को छोड़ के, वो सारे के सारे हम डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट को डाल देंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी, वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक बात और ध्यान में रखना कि जो भी लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर कर रहे हो वो आउटसाइडर लाइबिलिटीज ही हो, अगर कोई भी फंड्स हैं, रिजर्व्स हैं, उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, अगर तो वो एसेट्स के अगेंस्ट थे जैसे मैंने पीछे बोला, वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई जर्नल रिजर्व है या फिर क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो हम डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली, उनको सारे का सारा वो ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, एक हमारा रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सीधा नहीं ट्रांसफर करते, उसकी थोड़ी बहुत और कैलकुलेशन भी होती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कवर कर लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, एक उसकी इलस्ट्रेशन कर लेंगे, और उसके बाद देख लेंगे आगे अगर क्या क्या हमसे हो सकता है, हम वो भी करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।